ये गौर सांप्रदायिक है ये लोग गौर जातिवादी है और ये लोग गौर परिवारवादी है सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं बाकियों को सबको पीछे रखते हैं क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं बिहार का भला कर सकते हैं पाटलिपुत्र का भला कर सकते हैं आपके परिवार का भला कर सकते हैं साथियों बिहार की इस धरती ने सामाजिक न्याय को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है एससी, एसटी ओबीसी के आरक्षण के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है लेकिन आज बिहार के जागरूक लोगों के सामने मैं दुख के साथ बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच रखा हूं क्योंकि मैं भी आप ही तरह अति पिछड़े लोगों के बीच में पल पर करके आपके बीच पहुंचा हूं इसलिए मैं उस दर्द को जानता हूं आरजेडी कांग्रेस और एनडी गठबंधन के दल मिलकर एस एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं हमारा संविधान कहता है ब्लैक एंड व्हाइट में है कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा लेकिन आरजेडी कांग्रेस एससी एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है 24 के इस चुनाव में जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है तो एक के बाद एक इनकी एस सी एस टी ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई मेरे परिवारजनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं आरजेडी कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को मेरे कुर्मी परिवारों को मेरे कुशवाहा परिवारों को मेरे कलवार परिवारों को मेरे तेली परिवारों को मेरे सूरी परिवारों को मेरे कानू परिवारों को मेरे निषाद परिवारों को मेरे पासवान परिवारों को मेरे रविदास पसीवाहा परिवारों को मेरे मुसहर परिवारों को ऐसे हरेक का जो आरक्षण था ना उस पर डाका डाल दिया है आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकर के जैसे चोरी कर जाए वैसे इन लुटेरों ने आपके हक को लूटा है मैं बात कड़वी बता रहा हूं क्योंकि मेरे जहन पर बड़े गांव लगे हैं भाइयों और इन जातियों के आरक्षण का कोटा कम करके आरजेडी कांग्रेस इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है साथियों एस सी ओबीसी के हमारे बच्चों को दो दाखिले में आरक्षण से बहुत मदद मिलती थी लेकिन आरजेडी कांग्रेस ने दलितों पिछड़ों आदिवासियों के बच्चों से अति पिछड़ों के बच्चों से ये अधिकार उनसे छीन लिया और मुसलमानों को दे दिया है यह संविधान के खिलाफ है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसके पीछ में छुरा भोंकने वाला पाप किया है अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने रातों रात माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा कानून बदल दिया इसके बाद धड़ाधड़ हजारों संस्थानों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया इन संस्थानों में पहले एडमिशन के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को पूरा आरक्षण मिलता था आरजेडी कांग्रेस के चलते आज एससी, एसटी, ओबीसी अति पिछड़े को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एक टक्का भी एक परसेंट भी आरक्षण नहीं मिलता है जो पहले मिलता था उसको ताले लगा दिए आपका हक हाँ था उस पर डाका